हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपने समर वेकेशन को इन्जॉय भी किया होगा। बेटा, जिन बच्चों ने समर वेकेशन में जो होमवर्क मिला था वो नहीं किया है, ये गलत बात है। आप सभी अपना अभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आज शाम तक जो बच्चा भेज देगा उसके भी मार्क्स लगा दूंगी। नाउ वेलकम अगेन इन नाइन्थ क्लास। टुडे वी रीड जियो चैप्टर 2। द चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने घर पर देखा होगा, नॉर्मली सोप यूज़ करते हैं आप, और टेलकम पाउडर आजकल यूज़ कर रहे होंगे। समर है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ताजमहल का नाम सुना होगा कि वो मार्बल से बना हुआ है। ये सब हमें रॉक्स से मिलते हैं, ठीक है। और रॉक्स कैसी बनती हैं वो आज हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको, जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है, अपर पार्ट है जो अर्थ का, वो 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। हमारी अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर है, क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं बेटा, और इस क्रस्ट में जो मूवमेंट होता रहता है वो फोल्डिंग मूवमेंट होता है, फोल्डिंग होता है, और वोल्केनिक एक्टिविटी आपने सुना होगा। तो इन प्लेट्स के अंदर मूवमेंट जो होते रहते हैं वो कंटिन्यू मूवमेंट होते रहते हैं, ठीक है। अब उन मूवमेंट के बारे में आज हम ब्रीफली देख रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसको ना आप ध्यान से सुनेंगे तो जो ये प्लेट्स हैं वो आपस में क्या करती हैं बेटा। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ध्यान से देखेंगे, जो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ये एक मूवमेंट है इन प्लेट्स का, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से जाती है। मैं ज़्यादा कुछ ब्रीफली बता नहीं पाऊंगी आपको। ये इस तरीके से ये दो प्लेट्स हैं, जैसे ये है ना, ये आपस में इस तरीके से ये प्लेट्स आगे रगड़ खाकर आगे पीछे होती हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है उसको, जो बाउंड्री तैयार होती है इस प्रोसेस से, उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं बेटा, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इस आगे पीछे इसकी प्लेट्स जो है वो आगे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से जाती हैं। और जो ये सेकंड है आपका डाइवर्जन बाउंड्री, ये डाइवर्जन बाउंड्री मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। ये जो डाइवर्जन बाउंड्री है वो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से, जैसे ये प्लेट्स हैं दोनों, ये एक दूसरे से इस तरीके से दूर चली जाती हैं बेटा। तो इससे जो बाउंड्री फॉर्म होती है, बनती है, सॉरी इससे जो बाउंड्री बनती है, जैसे फिर से देखेंगे बेटे, ये दो प्लेट्स हैं और ये दूर एक दूसरे से जा रही हैं, इस तरह से जो बाउंड्री तैयार होगी उसको हम बोलते हैं डाइवर्जन बाउंड्री। ओके बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका हमारा कन्वर्जन बाउंड्री। ध्यान से सुनेंगे, अब जो ये कन्वर्जन बाउंड्री है ये किस तरीके से तैयार होती है। ये होती है जैसे, मतलब ये दो प्लेट्स हैं तो ये दूर से ऐसे आपस में आती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं ऐसे, ठीक है बेटा। तो इससे क्या, इस बाउंड्री से, इस प्रोसेस से जो बाउंड्री तैयार होती है बेटा उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन बाउंड्री, ठीक है। अभी आप देखेंगे जो मोस्टली माउंटेन्स है बेटा वो इस तरह के प्रोसेस से, यानी कि कन्वर्जन बाउंड्री से ही तैयार होते हैं मोस्टली माउंटेन्स। अब हम आगे देखते हैं बेटा, मोस्टली मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिखने की कोशिश की है। आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ इसको साथ साथ आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा,
थोड़ा टफ है ये चैप्टर आपको जियो का। आई थिंक मैं आपको बता रही हूँ बेटा ईमानदारी से, जियो का अगर कहीं पूरे जियो में आपको कहीं पे फोकस करना है तो इसी चैप्टर पे करना है। अगर आपने इसको साथ साथ नहीं पढ़ा तो मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आ गया कि अब जो मोस्टली माउंटेन्स बने होते हैं बेटा वो इसी प्रोसेस से बने होते हैं, और जो हमारा हिमालयाज है भारत में भी थोड़ा सा इसका पार्ट है, नेपाल में जो मेनली है, वो जो हिमालयाज हमारे बने हैं वो इसी प्रोसेस से तैयार हुए हैं। ठीक है, अब जो इसी प्रोसेस से तैयार हुए हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा ये प्रोसेस हुआ था इसी की वजह से हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड एक था उससे अलग हो गया था। गोंडवाना लैंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, हमारा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारा पहले एक ही एरिया था। समझ में आ रहा है बेटा, ये सारा पहले एक ही एरिया था जिसको गैदरली हम क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। और इसी प्रोसेस के कारण धीरे धीरे ये सारा एरिया बिछड़ता गया, अलग होता गया, और जिसकी वजह से ये अलग अलग कंट्रीज के रूप में आज हमें देखने को मिल रहा है। फिर से सुनेंगे कि जो ये प्रोसेस होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं क्रस्ट में, जो प्लेट्स की मूवमेंट होती हैं, इसी की वजह से जो एरियाज हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर से सुनेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे पहले एक ही एरिया के अंदर आते थे, गैदर थे, इकट्ठा थे, और जिनको गैदरली में गोंडवाना लैंड के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा बताऊंगी लेकिन अच्छे से आपको समझना है खुद से, जो इन्हीं प्रोसेस की वजह से सारे अलग अलग हो गए। आज आप देखते हैं कि ये सारे अलग अलग देश हैं। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। एक बार जितना मैंने बताया है वो आप दोबारा से चैप्टर में से रीड करने की कोशिश करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे साथ साथ, क्योंकि इसको साथ साथ क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब अभी आपने देखा जो मैंने अभी आपको बताया, हिमालयाज भी हैं जो वो उसमें, जो हिमालयाज आपको बताए हैं मैंने वो हमारे इंडिया में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश और नीचे के जो पूर्वांचल एरिया है वहां तक फैले हुए हैं। समझ में आ रहा है बेटा, ये जो हिमालयाज हैं जम्मू हमारे इंडिया में कहाँ तक फैले हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेके आप ये देख रहे हैं ये सारा अरुणाचल प्रदेश तक जाकर फिर थोड़ा सा एकदम नीचे आ रहे हैं, इस एरिया को हम कहते हैं पूर्वांचल। ठीक है बेटा, इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल। अभी आप देखेंगे कि वेस्ट में ये ज़्यादा चौड़े हैं, यानी जो इनकी चौड़ाई है माउंटेन्स की वो ज़्यादा है, और ईस्ट में आते आते तक ये बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर इनकी 400 मीटर की है लेंथ, और यहाँ पर आते आते ये 150 तक हो जाती है अरुणाचल प्रदेश तक आते आते। ठीक है, अभी आपको इसी पिक्चर के मीडियम से ही मैं आपको अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि किस तरीके से, और जो मेन जो हमारे मेजर हम लैंडफॉर्म्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है हमारे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन पे हिमालयाज है, तो मैं हिमालयाज को अच्छे से डिफाइन करने की बात कर रही हूँ। तो जो ये वाला लैंड एरिया है मैंने अभी आप इस सारा शॉर्ट में लिख दिया है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है, ये इस चैप्टर का पूरा मेन पार्ट है, ये अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी आपके लिए। अगर ये क्लियर हो जाता है आपको तो अच्छे से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि वेस्ट में ये माउंटेन्स चौड़े हैं और यहाँ तक आते आते ये इनकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है, यहाँ पे 400 मीटर से और यहाँ पर आकर 150 मीटर्स हो जाती है।
आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे बेटा। ओके।